स्वागत है, आभार व्यक्त करते हैं सबका। शशिपाल सरपंच जी सम्मान कर चुके हैं, कमी नहीं होनी चाहिए। एडे वे पार्टी से जाया करता स्वागत कर सरपंच निषाद अख्तर जी, सरपंच रीता देवी जी, चक मोदी साहब जिंदाबाद, मोदी साहब जिंदाबाद, जितेंद्र सिंह जी आगे बढ़ो, भारत माता की। बरसों से तिरस्कृत रहा इसकी अवहेलना हुई, और वो इसलिए हुई कि तत्कालीन जो सरकारें थी जिन पार्टियों की, वो वोट बैंक की राजनीति करती रही, तुष्टीकरण की राजनीति करती रही, अपीजमेंट की पॉलिसी पर वो अमल करती रही। उधमपुर में ज़्यादा विकास का कार्य हो तो उनके वोट बैंक को किसी प्रकार की निराशा ना हो या स्वीकार ना हो, इस बात को लेकर के उधमपुर को 60-70 वर्ष इंतज़ार करना पड़ा मोदी जी के आने का। और जब से मोदी जी की सरकार आई है, कोई ऐसा नहीं था प्रोजेक्ट जो हमने मांगा और हमें मिला नहीं। मोदी जी ने उम्मीदवार प्रधानमंत्री बनने के बाद अपना पहला जो कार्यक्रम प्रारंभ किया था माता वैष्णो देवी के दर्शन करके किया था, और मुझे इस बात का गर्व है कि देविका का प्रोजेक्ट भी यहाँ पर उन्हीं के हस्तक्षेप से स्वीकृत हुआ, जो अब लगभग तैयार है। और अब ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में कुछ इतिहासकार इस बात का भी विश्लेषण करेंगे कि यही देविका नदी हमारे लिए आस्था का स्थान बरसों से बहती रही, कितनी पीढ़ियाँ इसके किनारे परवान चढ़ी जम पल करके, और यहीं पर मुक्ति भी प्राप्त हो गई, लेकिन किसी ने इसकी चिंता नहीं की। ये मोदी जी के आने के बाद हुआ, क्योंकि मोदी जी ने प्रण किया था कि जो क्षेत्र छूट गए हैं मुख्य धारा से प्राथमिकता से, उनको बराबर के सतह पर ला करके विकसित किया जाएगा। इसी प्रकार ये वाहिद एक ऐसा लोकसभा क्षेत्र है पूरे देश में जहाँ एक नहीं दो नहीं तीन तीन मेडिकल कॉलेज केंद्र की राशि से स्थापित किए गए, उनमें से उधमपुर का भी है जिसका अगले ही वर्ष से सेशन भी शुरू हो जाएगा। इसी तरह से मानतलाई धीरेन्द्र ब्रह्मचारी जी जो इंदिरा सरकार के बड़े चहेते थे, उसी ज़माने में उनको वहाँ पर ज़मीन भूमि भी दी गई थी, उनके देहांत के बाद वो उजड़ा पड़ा था, खंडहर बन चुके थे, उसको पुनः निर्माणित करके उसको फिर से उसका सुंदरीकरण करके एक स्टेट ऑफ आर्ट वेलनेस सेंटर बनाने का कार्य भी इन्हीं पिछले कुछ एक वर्षों में हुआ। मानसर झील को भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन स्वदेश योजना के तहत निर्माणित किया जा रहा है। इसी प्रकार बीरवा का पुल, देविका का पुल, पासपोर्ट ऑफिस, रेडियो स्टेशन जिसकी मांग सन 1965 से थी जबकि पाकिस्तान का युद्ध हुआ था और रेडियो पाकिस्तान यहाँ सुनाई देता था, लेकिन किसी ने उस मांग की ओर ध्यान नहीं दिया गया। और मुझे खुशी है कि बहुत सारे हमारे आज नए साथी भी हमारे साथ जुड़े हैं, बलवंत सिंह मरकोटिया जी के साथ जुड़ करके, और एक सामूहिक तौर पर जो प्रयास होगा उससे ये विकास की गति को और बल मिलेगा और इसको तीव्रता मिलेगी। क्योंकि ये एक ऐसा समय है जब मोदी जी ने ये प्रण करके रखा है कि जहाँ जिस चीज़ की कोताही है उसकी पूर्ति करनी है, और जो हम मांगते हैं हमें प्राप्त होता है। आज भी हमने एक नई घोषणा की है, जहाँ ये जनसभा हुई है इसी के कुछ दूरी पर एक कम्युनिटी हॉल स्थापित किया जाएगा आर्य समाज आश्रम के परिसर में। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का स्वागत करना है, जोरदार तालियां, पूरे जोरदार तालियां। तो लगे दर्शक सड़ा प्रोग्राम है, ए 5-10 पंचायतें का प्रोग्राम है, कोई डिस्ट्रिक्ट लेवल का नहीं है, लेकिन बाकी डिस्ट्रिक्ट बाकी पंचायतें के कोई दो दो साथी आए थे ना, ये सड़ा जीत साथी और मुतल समोल जंगल गली और सुंदरानी वगैरह इन्हें इलाके चाहगा सड़े साथी का जो इतने छोटा जा कार्यक्रम है थोड़ा स्वागत आस्ते है। और खासकर जरा गुजरात के अंदर कमाल किया है से जोरदार तालियां होनी चाहिए, बहुत जबरदस्त क्लीन स्वीप 27 साल दे दिया, सारे को ज्यादा बढ़िया जीत गुजरात के अंदर की है, और उस तरीके की जीत की तैयारी जम्मू कश्मीर के अंदर भी करी लाओ, जिसले भी इलेक्शन होता है ओरी तैयारी कर लाओ। मैं एक गल आखना चाहना, कई बार चर्चा होती है, कई बार अपोजिशन जी सवाल करती है, पर मैं आखना चाहना कि अज तुम दिखी लो, अज को 20-30 साल पहले जल्द हिंदुस्तान कुछ मुल्क के अंदर जाना हो, अमेरिका जैसे कंट्री जल्द जाते हैं, सारी हालत क्यों थी अस 4-4 घंटे इंतजार करना पौधा है जी, अजकल साढ़े पैंचे सरपंचे डीसी दफ्तर भी इंतजार करना पौधा है, अस इं इंतजार करना पौधा है उन्हें अमरीका जैसे मुल्क के अंदर। अज अमरीका जैसे मुल्क जल्द मोदी जी ने कमान संभाली हिंदुस्तान की, अज अमरीका जैसे मुल्क जड़े ने हिंदुस्तान की सलूट करा करते हैं, हिंदुस्तान कन्ने दोस्ती बनाने की गल करा करते हैं, हिंदुस्तान कन्ने हाथ बनाने से उत्सुक हैं, वो हिंदुस्तान जो है जिन्हें अज को 20-30 साल पहले इन्नी पतली हालत पिछली सरकार ने की थी, अज उस हिंदुस्तान का वो हिंदुस्तान मोदी जी का नहीं है, वो सिर्फ जितेंद्र जी का नहीं है, अज जिन्हें भी लोग बैठे ने साढ़े को साढ़े घर को साढ़े परिवार को हिंदुस्तान होंगे, जल्द प्रधानमंत्री जी का कद बढ़ा
छाती चौड़ी अपने घर बैठा भी देख के सारे मुल्क की नीट और दुनिया के अंदर। इस वास्ते मेरे साथियों अज वक्त की जरूरत है कि देश के अंदर एक मात्र विकल्प है, मोदी जी विकल्प न और भारतीय जनता पार्टी विकल्प है। और मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा हमारे बहुत ही जुझारू और दो बार विधायक रहे जिंदाबाद। टेक वन अब आपके व्हाट्सएप पर, व्हाट्सएप करिए 9728253663 पर।